जीज़ तलबा वलबा आज हमारी गुफ्तु का मौजू है विरासत के अहकाम कोर्स कोड फोर डबल फाइव थ्री फ़िकल कुरानत के अहकाम से मुतालिक। आपकी बुक का यूनिट नंबर है सत्रह अजीज़ तलबा आपको मालूम है कि हम जब भी किसी मौजुआ पर गुफ्तु करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस मौजुअ का लोहवी माना हमें मालूम होना चाहिए इसके बाद इसलाह के अंदर उस लफ्ज़ का क्या माना लिया जाता है वो हमें मालूम होना चाहिए इसके बाद उस मौजू का हमें मालूम होना चाहिए कि इस मौजू का क्या है और इस मौजू में किन किन चीज़ों से मुतालिक बात की जाती है ये तारी सारी तफासिल आपकी किताब के अंदर मौजूद हैं सबसे पहले हम आते हैं विरासत का लु़वी माना क्या है विरासत का लुवी माना ये होता है किसी भी शख्स या जमात के इंतकाल के बाद उनके जो मौजूद वारिस होते हैं उनके दरमियान मरने वालों के तरक़ा या उनकी छोड़ी हुई मीराश को तकसीम करना असलाह फ़िक में शरीत इस्लामिया की अलाह में विरासत की असलाही तरीवी की जाती है विरासत से मुराद वो अमवाल और हकूक़ होते हैं जो किसी शख़्स की मौत की सूरत में इसका शर् वारिस इसका नायब होने की हैसियत से वसूल करता है इलम मरास किसे कहते हैं इल मरास फ़राइज़ ये दोनों असिलाहत हमारी शरीयत इस्लामिया में इस्तेमाल होती हैं इल्म मरास से मरातफ़ और रियाजी के वो कवायद और असूल हैं जिनके ज़रिए मैत के तरका को तकसीम किया जाता है इल्म मीरास का मौजू क्या है यानि इम मीरास किन किन चीज़ों के बारे में हमें आगाही देता है इलम मीरास का मौ है मैयत के शर् वारिस जो हैं उनके दरमियान मैयत के विरासत या तरका को शरीत इस्लामिया के असूलों के मुताबिक तकसीम करना जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इसको इलम मीरास और फ़रज़ दोनों नामों से लिखा और पढ़ा जाता है क़र करीम और अदीस का जब हम मतलब करते हैं तो इल्मी मरास के लिए इल्मुल इल्मज़ की इस्तेला इस्तेमाल हुई है क़रा करीम सुरानसा की आयत नंबर ग्यारह में अल्लाह इज्जत ने फरमाया फ़रीतम मिनल्ला मीरास के मसाइल को जिक्र करते हुए फरमाया कि अल्लाह की जानब से एक फरीजा है रसूल वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया अकसम अलमाला बीना अहल फ़राइज अला किताबिल्ला तुरकतिल फ़राइज फ़ल उली रजुलकर माल को मैत की व के दरमियान अल्लाह के बयान करदा कानून के मुताबिक तकसीम करो जो कुछ वो फराइज छोड़ कर जाए उसके मर्द वारसों को दो दूसरी हदीस में अलैहि सल्लाम ने फरमाया तालमफराइज वाल फ्लू निल्मिल फ़राइज सीखो और ये लोगों को सिखाओ इसलिए कि ये शरीयत इस्लामिया का निसफ़ इल्म है वह वह यूनसा और ये ऐसा इल्म है जो बहुत जल्दी भूल जाता है वह व अव्वलशैन यूंसाउमिन उम्मती और सबसे पहला इल्म जो आमलन मेरी उम्मत से ख़त्म हो जाएगा वो विरासत ही से मतलक़ एक और हदीस में अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया तमु अलफ़राइज الناس इल्म फरज़ खुद भी सीखो और लोगों को भी सिखाओ तम क़ुरान सीखो वालुन्नास और लोगों को सिखाओ फम्र उ मकबूज उन मैं एक इंसान हूँ जो दुनिया छोड़ने वाला हूँ अन करीब दुनिया से इल्म हो जाएगा व तुज़ हरफन फितन फसाद ज़ाहिर होंगे हती यखल इस्नान फिलफरीद ला य जिदान मई यफ़लोबैन हमा विरासत से मुतक दो आदमियों के दरमियान तनाजा और झगड़ा होगा उन्हें कोई ऐसा शरीय का माह नहीं मिलेगा जो उनके दरमियान शरीत के मुताबिक फैसला कर सके क़र करीम के इन आयात और इन अहदीत से आपने अंदाज़ा लगा लिया कि इलमरा को फ़राइज़ भी कहा जाता है अब इम मरास या फ़राइज से क्या क्या अहम चीज़ें मुराद ली जाती हैं सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि जविलफरूज़ कौन से लोग हैं इसके बाद देखना होता है कि आशाबाद कौन से लोग हैं तीसरी अतला जविल अरहाम की है ये तीनों अतिला मैत के वसा के लिए इस्तेमाल होती हैं दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि मैत के जो वसा हैं उनके तीन दर्जे होते हैं पहला दर्जा ज़विल फरोज़ का दूसरा आशाबाद का तीसरा ज़विल अरहम का आगे चल कर मैं इन सब की तफसील आपके सामने पेश करूँगा फ़राइज़ के या मीरास के तीन बुनियादी अनासर होते हैं सबसे पहले वारिस और गैर वारिस की पहचान सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि मैयत का कौन शख्स वारिस बन रहा है शर् और कौन वारिस नहीं बन रहा नंबर दो हमने ये देखना होता है कि शरीयत के मुताबिक किस वारिस का कितना हिस्सा है नंबर तीन रियाजी कि वो कवायद जिनकी मदद से हम इन वसा में इनके हिस्से तकसीम कर सकते हैं उनका जानना ज़रूरी होता है शरीयत इस्लामिया ने विरासत से पहले कुछ हुकूक रखे हैं जब तक उन हुकूक की अदायगी नहीं हो जाएगी विरासत की तकसीम की शरण इजाज़त नहीं सबसे पहला फरीजा ये है जब भी किसी शख्स का इंतकाल होता है तलबा अजीज़ तलबा और तलबात मैं शख्स की अतला इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ इससे मुराद मर्द और औरत और दोनों हैं बजाय इसके कि हम बार बार इस लफ्ज़ को रिपीट करें कि मर्द या औरत शख्स का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका मतलब यही होगा कि मर्द या औरत जब भी किसी शख्स का इंताल होता है तो शरीय इस्लामिया में सबसे पहला जो हक फर्ज आयद होता है वो है मैत की तजी तजहीज़ और तक़फ़ीन। सबसे पहला फ़र्ज जो आयद होता है वो है मैत की तजहीज़ और तक़फ़ीन। यहाँ भी शरीयत ने पाबंदियाँ लगाई हैं कि मैत की तजहीज़ और तक़फ़ीन में दरमियाने तरीक़ा को अपनाया जाए न बहुत ज़्यादा पैसा ख़र्च हो और न कंजूसों से काम लिया जाए मैत की तजहीज़ और तकफीन के फ़ौर बाद जो दूसरा फर्ज आयद होता है वो हमने ये देखना होता है कि मैत ने किसी का कर्ज तो नहीं देना या मैत ने किसी से कोई कर्ज तो वसूल नहीं करना इन दो सवालत का जवाब हमें तलाश करना होता है जब इन दोनों सवालत का जवाब हमें मिल जाता है हाँ या ना में, तो फिर तीसरा सवाल क्या मैत ने कोई वसीयत की या नहीं वसीत के तफसी अहकाम आप इससे पहले यूनिट में पढ़ चुके हैं शरीयत इस्लामिया में एक इंसान को मौत के वक्त ये एक अख्तियार दिया है कि वो अपने माल में चाहे तो कुछ तसरफ कर सकता है क्योंकि जब रूह और जिस्म का ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा उसके बाद ये शख्स अपने माल में किसी किस्म का कोई तसरुफ़ नहीं कर सकता रमत आलम सल्ला वसम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर तुम्हारी मौत के वक्त बहुत बड़ा एहसान ये किया है कि तुम्हें वसीयत की इजाज़त दी है और ये चीज़ आपको बखूबी मालूम है कि वसीयत पूरे माल में वन थर्ड यानी एक तिहाई या सुलुस की हद तक हो सकती है मैत की तजहीज़ व तकफीन कर्ज और वसीयत के बाद अब पहला मरहला जो आता है वो ये देखना होता है कि मैत के कौन से वारिस जवील फरूज में आ रहे हैं कौन से आसाबात में आ रहे हैं और कौन से ज़वीलरहम में आ रहे हैं जवीलफरूज जवील फरूज से मुराद मैत के वो वारिस हैं जिनके हिस्से क़ुरान और सुन्नत में तफसील के साथ बयान कर दिए गए फ़र्ज़ का माना है किसी चीज़ को मुतिन कर देना किसी चीज़ को मुकर कर देना क्योंकि इन वारसों के हिस्से मैत की ज़िंदगी ही में मुतन होते हैं इसी नस्बत से इनको जविलफरू कहा जाता है मैं इसे थोड़ा सा मज़ीद आसान करके यूँ कहा करता हूँ कि जविलफरूज़ से मुराद मैत के वो वारिस हैं जिनके हिस्से क़ुरान व सुन्नत में बटों की शक्ल में बयान किए गए यानी वन थर्ड वन फोर वन सिक्स वन एट हाफ निस्फ सुलस रुब सुधस फमुन की असलाहत इस्तेमाल होती हैं इसके बाद असबाब असबाद से मुराद वो मर्द जिसका मैत के साथ ताल्लुक़ जब हम जोड़ते हैं तो दरमियान में कोई औरत आयल न हो मैत के साथ किसी मर्द का ताल्लुक़ जब हम मिलाते हैं रिश्ता मिलाते हैं तो दरमियान में कोई औरत न हो मसलन बेटा भाई बाप दादा पोता वगैरह ऐसाबाद में आपने ये भी पढ़ लिया है कि दो तरह के आशाबाद होते हैं एक आसबा बे नफसी ही और एक आसबा लगैरी आसबा बे नफसे ही का मतलब ये है कि वो शख्स अज खुद आसबा बन रहा है आसबा बे नफसी ही में मर्द होते हैं आसबा लगैरी ही में वो औरतें होती हैं जो अज खुद तो आसबा नहीं बनती लेकिन किसी मर्द के साथ मिल जाने की वजह से वो भी आसबा में दाखिल हो जाती हैं यानी एक शख्स के बेटे और बेटियाँ दोनों हैं बेटी असबा नहीं होती भाई के साथ मिलकर वो असबा बन जाती है इसी तरह किसी शख्स की बहन और भाई मौजूद हैं तो वो बहन अपने भाई के साथ मिलकर असबा बन जाती है तो उस वक्त उसको कहते हैं उस बहन को असबा ले गेरी तीसरा दर्जा है ज़विल अरहाम का ज़विल अरहाम से मुराद वो मैत के वारिस हैं जिनके हिस्से और सुन्नत में मुकर नहीं सबसे पहले जवील फरूज को हिस्से दिए जाते हैं अगर किसी मैत के जवील फरूज मौजूद न हों तो फिर आसाबाद को हिस्से दिए जाते हैं अगर आसाबाद भी मौजूद ना हों तो फिर जविल अरहाम की तरफ जाते हैं जविलरहाम से मुराद मैत के वो वारिस हैं कि मैत और उनके दरमियान किसी औरत का वास्ता हो मसला नवासा नवासी भांजा, मामू फूफी, खाला, वगैरह तफसीली रिश्तेदार जो हैं तो मैयत और उनके दरमियान जब हम रिश्ता जोड़ते हैं तो दरमियान में किसी औरत का वास्ता आ जाए उनको जवैल अरहाम कहा जाता है तो इनका दर्जा तीसरे नंबर पे है जवैलफरूज और असबात की मौजूदगी में ज़वील अरहाम को कुछ नहीं मिलता हाँ जवीलफरूज़ भी कोई ना हो आसाबात भी कोई ना हो तो फिर अरहाम की तरफ विरासत मंतकिल होती है दूसरी चीज़ ये जहन में हमेशा रखें कि जब विरासत के मुतालिक आप पढ़ रहे हैं कुछ किसी को समझा रहे हैं तो यहाँ की इस्तेलाहात को भी जहन में रखना ज़रूरी है जब औलाद की अलाह इस्तेमाल होती है तो औलाद से मुराद विरासत में बेटा बेटी पोता पोती पड़ोता पड़ोती औलाद जब भी हम कहेंगे तो उससे मुराद ये रिश्ते होंगे बेटा बेटी पोता पोती या इससे आगे वाली रिश्ते अखबा का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है बहुत से हजरात पढ़े लिखे अखवा का भी माना कर लेते हैं जी इखवा का माना भाई है ठीक है जब हम आम गुफ्तु कर रहे होते हैं अरबी में तो उस वक्त तो इखवा से मुराद भाई ही होते हैं लेकिन जब हम विरासत में आते हैं तो यहाँ हमें इसका तफसीली और तफसील के साथ इसका एक माना मुतय्यन करना होता है उस माना को हमने अपने जहन में रखना है अखवा से मुराद मैत के हकीकी मैत के आल्लाती मैयत के अखियाफी भाई इखवा विरासत में जब भी इस्तेमाल हो इससे मुराद मैयत के हकीकी बहन भाई मैयत के आल्लाती बहन भाई मैयत के अखियाफी बहन भाई आप किताबों में देखेंगे कहीं लिखा होगा हक्की भाई कहीं लिखा होगा अली भाई कहीं लिखा होगा खफ़ी भाई इसी तरह हकी बहन अली बहन खफ़ी बहन वो बजाए हकीकी आल्लाती अखियाफी के उसका मुखफ़ इस्तेमाल कर लिया जाता है हकीकी बहन भाई कहने कहते हैं हकीकी बहन भाई उनको कहते हैं कि जिनका मैयत के साथ ताल्लुक़ जब हम देखेंगे तो मैयत और उनके माँ बाप एक ही हों ऐसे बहन भाई जिनके माँ और बाप एक ही हों इनको कहा जाता है हकी बहन भाई इसके बाद अल्लाती बहन भाई वो बहन भाई जिनके जिनका बाप एक हो और माएँ अलग अलग होंती से मुराद वो बहन भाई हैं सिर्फ़ भाई सिर्फ़ बहने या बहन और भाई जिनके माएँ अलग अलग हैं और बाप एक है अखियाफी बहन भाई अखियाफी बहन भाई उनको कहा जाता है ऐसे बहन भाइयों को जिनकी माएँ एक ही हूँ और बाप अलग अलग हों अखियाफी से मुराद वो बहन भाई हैं या वो भाई या वो बहन जिनकी माँ एक ही हो बाप उनके अलग अलग हों तो ये मुराद होती है अखवा से अखबा से मुराद फिर क्या कहेंगे हकीकी बहन भाई अल्लाती बहन भाई अखियाफी बहन भाई इसके बाद तरका का लफ्ज इस्तेमाल होता है तरका के बारे में ये जहन में रखें आम तौर पे लोग इससे कहते हैं जी वो जो माल छोड़ कर जाए जाहिर है किसी हद तक ये बात मानी जा सकती है लेकिन जब आप विरासत के मौजू पर गुफ्तगु कर रहे हैं विरासत के मौजू को आपने डिस्कस करना है तो वहाँ तरका की तफसीली तारीफ जो फ़िक्र शरीयत इस्लामिया में बयान हुई है वो आपके ज़हन में रहनी चाहिए तरका से मुराद मरने वाले की मनकूला और ग़ैर मनकूला जायदाद मनकूला और गैर मनकूला जयदाद यानी मनकूला से मुराद वो प्रॉपर्टी है कि इंसान जब उसे चाहे जहाँ चाहे ले जा सकता है मसलन रुपया पैसा सोना चांदी गाड़ी घर का फर्नीचर ये चीज़ें कहलाती हैं मनकूला गैर मनकूल वो जायदाद कहलाती है जिसे आप मुंतकिल ना कर सकें दुकान है घर है फैक्ट्री है ज़मीनें हैं बागात हैं चश्मे हैं जंगलात हैं ये जो जायदादें होती हैं ये किस आती हैं ग़ैर मनकूला में तो मनक़ूला से मुराद वो मैत का तरक़ा वो जयदाद जिसे मुंतकिल जा सकते जानवर हैं जो भी चीज़ मुंतकिल हो सके वो मनकूला में आएगी और जो चीज़ मुंतकिल ना हो सके वो गैर मनकूला में आएगी शरीयत इस्लामिया ने इस हद तक के अहतमाम किया है कि मरने वाले की सुई धागा भी अगर वो छोड़ कर गया है तो वो भी उसके तरका में शामिल की जाएगी हती के फकहा ने यहाँ तक लिखा है किसी शख्स का इंतकाल हो गया उसकी जेब में एक अलाँची का दाना रखा है उसकी जेब में एक अलाची का दाना रखा है तो किसी शख्स को अब यह भी इजाजत नहीं कि उस अलाची के दाने को उठाकर अपने मुंह में डाल ले इसलिए कि वो अब किसी एक का नहीं मरने वाले के तमाम वारसों का हक बन चुका है लिहाजा थोड़ा हो या ज्यादा वो मैय का तरका कहलाता है कुरान करीम ने बड़े वाज और वाशगफ अल्फाज में कहा हैफर मरने वाला बहुत कलील माल छोड़ कर जाए या ज़्यादा वो सब का सब तरक़ा ही कहलाता है अब आते हैं ज़विल फरोज़ की तारीफ़ तो आपके इल्म में आ गई शरीयत इस्लाम ज़विल फरोज़ के कितने इसके अंदर अफ्रद आते हैं वो जहन में रहें ज़विल फरोज़ तेरह बनते हैं ज़विलफरूज़ की जो शरीयत में तादाद मुतय्यन की गई है वो तेरह हैं इसमें किसी किस्म की ना कमी हो सकती है ना ज्यादती हो सकती है अल्लाह अल्लाहबुल्ज़त ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज ख़ुद इनके हिस्से बता दिए और ये भी बयान कर दिया कि कौन किसका जवील फुरूज बनता है नंबर एक खामिद नंबर दो बीवी अब्लिक बीवियाँ किसी शख्स की एक से ज़्यादा बीवियाँ हों तो बीवी या बीवियाँ बेटी बेटियां, पोती पडोतियां, नंबर छः बाप नंबर सात माँ नंबर आठ दादा नंबर नौ दादी नंबर दस नानी नंबर ग्यारह हकीकी बहनें, नंबर बारह आलाती बहनें, नंबर तेरह ख़ियाफ़ी बहनें। ये तेरह हैं जवीलफ़रूज ये जो नंबर आपको बताए गए शरीयत इस्लामिया में इन्हीं तरतीब से इनको विरासत मिलती है और ये भी आपको मालूम है कि जब पहले दर्जे के वारिस मौजूद हों तो बाद वाले वारिस महरूम होते हैं जवीलफरूज का ये मतलब भी नहीं कि जी किसी भी शख़्स के इंतकाल के बाद उसके इन तेरह के तेरह जवीलफ को हिस्सा दिया जाएगा वो आगे चल के मैं आपको कि किस वक्त किसको हिस्सा मिलता है और कौन महरूम रहता है कुरान करीम ने व और दीगर रिश्तेदारों की विरासत का जो एक असूल बयान किया है वूर अन नसा की आयत नंबर सात है फरमाए लरिजाल नसीब مما ترك कल والاقربون وللنساء अकरबून वलिन ترك तरकलवा والاقربون مما अकरबून منه अव كثر नसीबम मफरो मर्दों के लिए भी खा छोटे हों या बड़े उस माल में हिस्सा मुकरर है जो उनके माँ बाप और बहुत नज़दीक के कराबतदार अपने मरते वक्त छोड़ जाएं। इसी तरह औरतों के लिए भी खा छोटी हों या बड़ी हिस्सा मुकरर है उस माल में जिसको औरतों के माँ बाप और बहुत नज़दीक के कराबदार मरते वक्त छोड़ कर गए खा वो छोड़ी हुई चीज़ थोड़ी हो या ज़्यादा सब में से हिस्सा मिलेगा ये अल्लाह की तरफ से कतरी तौर पर मुकर हिस्से हैं और विरासत से मतलब एक अहम तरीन असूल बताया फरमाया कि लदार नसीबा तारक वालदा वबूँ लफ्स अक्रबूँ लफ इस्तेमाल फरमाया कि मरने वाले के जो क़रीब तरीन रिश्तेदार हैं उनको हम विरासत में हिस्सा देंगे जो दूर के रिश्तेदार हैं उनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा ये अल्लाह हबुल्ज़त ने इसलिए उस उसूल मतिन फरमाया कि अगर आप अकरब के असूल को फॉलो न करें तो फिर किसी विरास किसी मे मैत की विरासत तकसीम ही नहीं हो सकती इसलिए कि हमारा ये ईमान और बुनियादी अकीदा है कि हम सब इंसान इस दुनिया में जो हैं वो आदम आम की औलाद हैं सबकी माँ और बाप हज़रत आदम और हवा हैं तो यूँ तो फिर दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं जिसका जिस दूसरे से रिश्ता ना हो लिहाजा रिश्तेदारी में अकरब के उसूल को अपनाया जरूरत और एहतियात को नहीं मद्देनज़र रखा गया इसलिए कि अगर जरूरत और एहतियात को मद्देनज़र रखा जाए तो बात फिर भी नहीं बनती एक रिश्तेदार कहेगा कि मैं ज़्यादा ज़रूरतमंद हूँ एक दूर का रिश्तेदार और आ जाएगा वो कहेगा मैं इससे भी ज़्यादा ज़रूरतमंद हूँ लिहाजा जरूरत एहतियात को नहीं चाहे कोई अमीर हो या गरीब जरूरतमंद हो या नहीं सिर्फ देखना यह होता है कि इसका इस वक्त मैत माई, के साथ जो ताल्लुक़ है वो कितना करीब है अक्रबों अकरब, अकरब रिश्तेदार है तो अब अद यानी उसके बाद वाला महरूम है बाप की मौजूदगी में दादा महरूम है इसलिए कि बाप दादा की बनस्बत अकरब है एक शख्स का बाप भी नहीं दादा भी नहीं परदादा मौजूद है तो उस वक्त परदादा को हिस्सा मिलेगा लेकिन एक शख्स का बाप भी जिंदा है दादा भी जिंदा है परदादा भी जिंदा है तो उस वक्त हम बाप को विरासत देंगे दादा और परदादा को नहीं मिलेगी क्यों? कि अकरब तरीन बाप मौजूद है इसी तरह बेटा पोता पोते के बाद अगली जो पुश्त आती है पड़ोता एक शख्स के बेटे भी मौजूद हैं पोते भी मौजूद हैं पड़ोते भी मौजूद हैं तो हम बेटों को हिस्सा देंगे पोतों को नहीं देंगे इसलिए कि करीब रिश्तेदार बेटा है पोते और पड़ोते नहीं हाँ किसी शख्स के एक बेटा भी जिंदा ना हो किसी शख्स का इंतकाल हुआ उसका एक भी बेटा जिंदा नहीं तो उस वक्त हम पोतों को देखेंगे तो जितने भी उसके पोते हैं उस वक्त उनको विरासत में हिस्सा दिया जाएगा इसी तरह भाई या चचा या चा तो भाई चचा की बनस्बत करीब है भाई की मौजूदगी में चचा को विरासत नहीं मिलेगी फिर भाइयों में भी मैंने अर्ज किया कि जो आप ऊपर तरतीब देख के आए हैं अल्लाती हकीकी। तो अगर हकीकी बहन भाई मौजूद हों तो फिर अल्लाती बहन भाइयों को विरासत में हिस्सा नहीं दिए जाता इसलिए कि करीब तरीन रिश्ता जो है मैत के साथ वो हकीकी बहन भाइयों का है अगर किसी शख्स के हकीकी बहन भाई ना हो, तो फिर अल्लाती बहन भाई को हिस्सा मिलता है अल्लाती बहन भाई भी हों अखियाफी भी हों तो फिर अल्लाती बहन भाई को हिस्सा मिलता है अखियाफी को नहीं मिलता तो अकरब का उसूल हर जगह कारफरमा है तीन किस्म के भाई मौजूद हैं हकीकी्लाती अकिया तो उस वक्त विरासत में हम हकीकी को देंगे अजीज़ तलबा अब तक जो आपके सामने गुफगू हुई है ये विरासत से मुतालिक बुनियादी अहम असलाहत के बारे में थी जब तक इन अहत के बारे में आपका जहन वाज नहीं होगा उस वक्त तक आप विरासत के किसी भी मसले को हल नहीं कर सकेंगे हमेशा आप कन्फ्यूजन का शिकार रहेंगे तो जिस तरतीब से मैंने आपको वो रसा की दर्जाबंदी बताई है या इससे मुतल जो बुनियादी अतलाहत बताई हैं इन सब को आप जहन में रख कर अगले मरहल पर आप जाएंगे तो फिर आपके लिए आसान होगा किसी भी मसला को हल करना अगर कहीं भी आपके जहन में कोई कन्फ्यूज़न हुई तो इसके बाद अगला जो हमारा सबक है या विरासत से मुतलक जो बकिया मसाइल हैं वो कभी भी आप नहीं समझ सकेंगे इसलिए मेरी बार बार आपसे यही यही गुज़ारिश है कि अब तक जो अला इस्तेमाल हुई हैं इनको बग़ौर बार बार पढ़ें अच्छी तरह समझें और इसके बाद फिर अगले मरहले की जो चीज़ें हैं वो आपके समझ में आएँगी वलिल्लाम